हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वी आर फ्रॉम इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था? टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को या किसी और चीज़ से पॉलिनेशन कैसे रुक सकता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने तीन टाइप के पॉलिनेशन को पढ़ा था। कौन कौन सा पॉलिनेशन था? फर्स्ट था आपका कौन सा, जीनोगेमी, ऑटोगेमी या जीटनोगेमी? कौन था पहला? ऑटोगेमी। क्या था? ऑटोगेमी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑटोगेमी में हमने देखा था, पहली बात तो ये जो पॉलिनेशन है तीन टाइप का, इसको हम किस बेस पर डिस्क्राइब किए, किस बेस पर हम इसको अलग अलग किए, कैसे हम इसको कैटेगराइज किए कि ये तीन पार्ट में बटेगा। जो इसका मेन रीजन है, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब ये कि पॉलन ग्रेन का सोर्स कहाँ है। अगर हम आपसे बात करें कि एक प्लांट है, उसी प्लांट पे दोनों, या एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के पास दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो देखो अब ये कि पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर पे, मतलब एक सिंगल फ्लावर है, उसी फ्लावर पे फीमेल भी है और क्या है, मेल भी है। तो इनका जो सोर्स है, ट्रांसफर ऑफ सोर्स है, वो क्या है, सेम है। क्या है? सेम है, मतलब उसी फ्लावर के उसी एंथर से पॉलन ग्रेन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास। क्या स्टिग्मा है, वहीं पे क्या हुआ, लैंड हो गया। तो एक टाइप का ये सोर्स हो गया। सेकेंड सोर्स जो था जीटनोगेमी, तो जीटनोगेमी में क्या था कि प्लांट तो सेम था लेकिन जो सोर्स था पॉलन ग्रेन का वो अलग अलग था। स्टिग्मा अगर फर्स्ट पोजिशन पर प्रेजेंट है तो एंथर कहाँ था, सेकेंड पोजिशन पर, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, फिर पॉलिनेशन हुआ। थर्ड अपने पास क्या था, जीनोगेमी। इस कंडीशन में क्या था, हमने क्या देखा था कि दोनों मेल और फीमेल का जो पोजीशन था चेंज हो गया था, और चेंज किस कंडीशन में हुआ था, दोनों का प्लांट ही अलग अलग था। ठीक है, इसके बाद हमको आज देखना है क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, दो टाइप का। पहला क्या है, डिक्लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोल सकते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, अगर आपने पॉलिनेशन ठीक से देखा तो हम आपको बताए थे बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, डाइसियस। मोनोसियस डाइसियस तो हम एक्चुअली हम प्लांट के बेस पर बोलते हैं, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल बोले तो किसके बेस पर बोलेंगे, फ्लावर के। तो यहाँ देखिए यूनिसेक्सुअल की बात हो, डिक्लाइनिंग मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल मतलब यह है कि प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे भाई, बात कर रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की और क्रॉस पॉलिनेशन की, मतलब ये कि एक प्लांट है जिसके पास जो फ्लावर का पोजीशन वो क्या है, अलग अलग। अब ये हो सकता है क्या, जीटनोगेमी। क्या हो सकता है, जीटनोगेमी। या सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, दो अपने पास प्लांट है, एक का फ्लावर यहां पे, दूसरे का फ्लावर यहां पे। ओके, मान लो ये फीमेल और ये क्या है, मेल। तो ये भी क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखो डिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कंफर्म हो गया कि उसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देखो अब दो टाइप से होता है, एक तो ये हो गया कौन सा, जीटनोगेमी, मतलब सेम प्लांट के ऊपर ही फ्लावर प्रेजेंट है। दूसरा कौन सा हो गया, जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब डिफरेंट प्लांट के पास मेल और फीमेल क्या फ्लावर प्रेजेंट है। आगे लिखा सेल्फ पॉलिनेशन नेवर टेक प्लेस। जाहिर सी बात है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होगा जब इनका फ्लावर का कंडीशन ही क्या है, एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है। जब तक यहां से ये पॉलन ग्रेन जाएगा नहीं, तब तक यहां पर पॉलिनेशन होगा नहीं, क्योंकि ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी यूनिसेक्सुअल है फीमेल फ्लावर, ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। तो जब तक इनका
पॉलन ग्रेन इसके पास नहीं जाएगा तब तक पॉलिनेशन कैसे होगा? और इस टाइप के पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, कौन कौन सा? एक जीटनोगेमी और दूसरा जीनोगेमी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के पास फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। कैसा है? यूनिसेक्सुअल। लेकिन डिफरेंस ये है कि जीटनोगेमी के पास जो फ्लावर है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल। लेकिन फ्लावर का जो पोजीशन है वो क्या है? अलग अलग है। जीनोगेमी में क्या है? प्लांट ही अलग अलग है और इनके पास अपना खुद का क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिक्लाइन या यूनिसेक्सुअल। ये एक तरह का क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी भी क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी भी क्या करता है? ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है। करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? क्यों करेगा? इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे देखो लिखा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन नेवर टेक प्लेस। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा भाई, जब इसके पास एक ही केवल क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों कंडीशन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या है? दोनों कंडीशन में केवल सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, डेट पॉम और पपाया, इन दोनों के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। बोल सकते हैं हम क्या? जीनोगेमी या जीटोनोगेमी, दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सेकेंड चीज देखते हैं क्या है? डाइकोगेमी। अब देखो डाइकोगेमी क्या होता है, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, एक ही प्लांट पे। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि डाइकोगेमी का जो फ्लावर है वो प्लांट पे होगा और प्लांट का, प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। लेकिन कार्पेल एंड स्टेमेन ऑफ द फ्लावर मेच्योर एट सेम टाइम। डाइकोगेमी में देखिए अब क्या बोल रहा, कह रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन कार्पेल और स्टेमेन भी फ्लावर के पास जो है वो मेच्योर होने कब? सेम टाइम में। अब डाइकोगेमी भी टू टाइप का है भाई, इन्होंने तो बोल दिया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कार्पेल और स्टेमेन सेम टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं। कैसे मेच्योर है उसमें भी हम देखते हैं, कौन पहले मेच्योर हो रहा है कौन बाद में मेच्योर हो रहा है। हो तो दोनों रहे मेच्योर। ठीक है, एक है आपके पास प्रोटोगेमी, क्या है? सॉरी प्रोटेंड्री। क्या है? प्रोटेंड्री। और सेकेंड आपके पास क्या है? प्रोटोगाइनी। अब देखिए याद करने का जो तरीका है प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी का, तो प्रो मतलब क्या होता है? पहले, और एंड्री मतलब यहाँ पे एंड्रोसियम से, किसे है? एंड्रोसियम से। तो एंड्रोसियम, या आप इसको ऐसे अगर याद करना हो तो एंड्रोजन, एंड्रोजन किस में होता है? मेल में। और फ्लावर के अंदर मेल के पास क्या होता है? एंथर। क्या होता है? एंथर। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मतलब एंथर। और इस मतलब इस कंडीशन में पहले कौन मेच्योर होगा? एंथर। कौन होगा? एंथर। तो लिखा है यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन एंथर मेच्योर अर्लियर देन कार्पेल। इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी बात यही है कि ये बोल रहा है कि भाई देखो प्रोटेंड्री कंडीशन में जो एंथर होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, किससे? कार्पेल से। ओके, मेनी प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली प्रोटेंड्री कंडीशन। समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूँ, देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए अपने पास एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, क्या है? बाइसेक्सुअल। समझ में आ रहा है? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर मैंने आपसे ये बोला कि प्रोटेंड्री कंडीशन है, क्या है? प्रोटेंड्री कंडीशन, यानी इसके अंदर एंथर पहले मेच्योर हो गया। जब तक कार्पेल मेच्योर नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजर नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या? अगर एंथर मेच्योर हो गया तो जाहिर बात ये इसका डिस्पर्सल भी होगा, जैसे डिस्पर्सल होगा तो एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगा? एयर में चला जाएगा। मतलब इससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ, किससे? कार्पेल से भाई, स्टिग्मा से। स्टिग्मा से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, जब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। बाद में कब? बाद में, जब इसी का सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन मेच्योर होकर दोबारा आएगा। कब? जब ये कार्पेल मेच्योर हो जाएगा तब ये एक्सपोज होगा, तब आएगा, तब इसके साथ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या प्रोटेंड्री कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? हो सकता है भाई, होगा, 100% होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा? एंथर पहले मेच्योर हो जा रहा है। क्या हो रहा है? एंथर पहले मेच्योर हो जा रहा है।
अगर कार्पेल मेच्योर नहीं हुआ तो भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ गए? प्रोटेंडरी कंडीशन में एंथर पहले मेच्योर हो जाता है, और इस टाइप के पॉलिनेशन में पहले क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी। क्या बोलते हैं? प्रोटेंडरी। तो अब देखो बोला है कि यहाँ पे अगर आपको डाइकोगेमी के बारे में पूछा जाए तो कहा है कि कार्पेल और स्टेमेन दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, लेकिन इनका कंडीशन अलग अलग है। पहला प्रोटेंडरी, सेकेंड क्या है, प्रोटोगैनी। तो प्रोटेंडरी के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड आपका क्या है, प्रोटोगाइनी। हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको याद करने का तरीका, एंड्रो, एंड्रो मतलब क्या, एंड्रोसियम, ठीक है। और एक और चीज़ बोला था, एंड्रो मतलब एंड्रोजन, एंड्रोजन किसका हार्मोन है, मेल हार्मोन। और एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम अगर याद करने की बात करें तो ये क्या है, प्रोटोगाइनी। क्या है? प्रोटोगाइनी। गाइनी मतलब क्या होता है, फीमेल, मतलब फीमेल के, जिसे हमने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, सुना है। तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या, फीमेल के रोगों के विशेषज्ञ, ओके। तो प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये कार्पेल की, फीमेल की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कार्पेल ऑफ फ्लावर मेच्योर अर्लियर अर्लियर देन स्टेमेन, मतलब आपके पास दो कंडीशन है, प्रोटेंडरी में पहले एंथर मेच्योर हुआ, प्रोटोगाइनी में पहले कार्पेल मेच्योर हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पे भी क्रॉस पोलिनेशन होगा? हो सकता है, होगा भाई, 100% होगा। क्यों होगा? देखो अब यहां पे कार्पेल पहले मेच्योर हो गया, हो सकता है बाहर का किसी की स्पीसी जाकर पोलिन गन यहां पर लैंड कर जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जब तक ये मेच्योर होगा, कौन, स्टेमेन का, इसका इसका जो खुद का एंथर है, तब तक ये क्या कर चुका होगा, फर्टिलाइज कर चुका होगा। तो इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों टाइप में देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अगर प्रोटेंडरी में एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, सनफ्लावर एंड कॉटन। प्रोटोगाइनी में पूछा जाए तो फाइकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइकस से मतलब एक स्पीसीज का नाम, उसमें दो बहुत सारे आते हैं, बनियान ट्री आ गया, पीपल आ गया, फिग आ गया। समझ में आया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पहले हमने क्या पढ़ा था, डिक्लाइनी। क्या पढ़ा था? डिक्लाइनिंग, उसमें मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब है कि इसके पास जो फ्लावर प्रेजेंट होगा यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब एक ही फ्लावर के पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर 100% क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रहा? इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है भाई। क्यों चांस होगा, इसके पास तो कोई बाइसेक्सुअल ऑर्गन है ही नहीं, तो कैसे होगा, क्या सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम अगर डाइकोगेमी की बात करें, डाइकोगेमी में क्या, इसमें बोल तो रहा है कि कार्पेल और स्टेमेन दोनों साथ साथ, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, कौन कौन सा, प्रोटेंड्री और प्रोटोगैनी। ये दोनों चीज़ समझ में आया आपको, प्रोटोएंड्री में एंथर पहले मेच्योर होगा, प्रोटोगैनी में गाइनोसियम पहले या कार्पेल पहले मेच्योर होगा। तो इन दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है? अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या इसके इसके अंदर क्या वेरिएशन होगा, जेनेटिकली वेरिएशन होगा। हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा, जब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्यों नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन तो होगा ही। समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या अपने पास, हार्कोगैमी। क्या है? हार्कोगैमी। इसमें यह बोल रहा है कि केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली बैरियर आर फॉर्म्ड बिटवीन, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके, देखिए क्या लिखा है, वनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, ओके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकली बैरियर आर फॉर्म्ड बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सो सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर्स। अब देखिए होता क्या है, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। हार्कोगैमी में होता क्या है, ये अपने पास एक फ्लावर ऐसा है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नैरो है और यहाँ क्या वाइड है। अब मान लो यहाँ से निकला एंथर और ये यहीं जाके क्या हो गया,
स्टॉप हो गया, इसके बाहर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसके बाहर अब क्या निकलेगा, स्टिग्मा। क्या निकलेगा? स्टिग्मा। है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि मैं दोबारा बनाऊं? चलो मैं दोबारा ही बना देता हूं। देखिए ये हमने बोला कि एक अपने पास इस तरह का कोई फ्लावर है, ठीक है। अब ये आपका ओवरी, ओवरी से ये निकला स्टिग्मा, और बीच में क्या है, स्टाइल, और ये दोनों तरफ से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे से क्या निकला आपका, एंथर। क्या निकला? एंथर। यहाँ से क्या निकला? एंथर। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये आपका पेटल्स, और इसके नीचे क्या है, कैलिक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका कैलिक्स पेटल्स, और ये क्या आपका एंथर, और ये स्टिग्मा। अब देखो ये एंथर तो क्या है, इसी के अंदर अभी प्रेजेंट है, क्योंकि अब इससे पोलन ग्रेन ऊपर तो जाएगा नहीं। है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन इसका पोलन ग्रेन ऊपर नहीं जा रहा। तो भाई मैच्योर दोनों साथ साथ हुए, ठीक है, एंथर भी मैच्योर साथ साथ हुआ, स्टिग्मा भी, ओव्यूल भी क्या हुआ, दोनों एक साथ मैच्योर हो गए, लेकिन इसके पास बैरियर आ गया, क्योंकि इसका पोलन ग्रेन तो रिलीज हुआ लेकिन इसी के अंदर ही रह गया, और ये इसके पास जा नहीं पाया, स्टिग्मा के पास इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, समझ में आ रहा। तो ये अब फर्टिलाइजेशन का इसके पास केवल एक ही चांस है, इसी का सेम फ्लावर का, जिसके अंदर अब एंथर बाहर निकला हो और स्टिग्मा अंदर हो। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, मैं उस ऊपर बना दूं। यहां पे मान लो एंथर आ गया और स्टिग्मा आपका यहां नीचे है, और ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है। तो क्या अब ये पोलन ग्रेन यहां पे लैंड करेगा? नहीं कर पाएगा भाई, यहां पे क्या लगा, बैरियर लगा है। तो हो सकता है इसका पोलन ग्रेन जाए इस स्टिग्मा के पास। तो देखा जाए तो ये कौन सा पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन, समझ में आया। तो हर्कोगेमी में क्या होता है, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉर्फोलॉजिकली बैरियर आर फाउंड बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया कि कैसे मॉर्फोलॉजिकली बैरियर है, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, ग्लोरियोसा एंड कैलाट्रॉपिस। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हेट्रोस्टाइली। क्या है? हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली क्या है, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, हर्कोगैमी। क्या पढ़ा था? हर्कोगैमी। होगा क्या, सेम कंडीशन लगभग वही है, सम ऑफ द प्लांट हैविंग लॉन्ग स्टेमेन एंड शॉर्ट स्टाइल। समझ में आया? सम ऑफ द प्लांट हैविंग लॉन्ग स्टेमेन मतलब एंथर बड़ा है और स्टाइल क्या है, छोटा। एंड सम प्लांट हैव बियर लॉन्ग स्टाइल मतलब स्टिग्मा बड़ा है और शॉर्ट स्टेमेन। इन दिस कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो हेट्रोस्टाइली भी क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? एग्जाम्पल आपको रटना क्या, प्राइम रोज लाइनम प्राइम्यूला। ओके, नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें भी सेम कंडीशन वही है। अब देखो जितना भी हमने पढ़ा सब क्या थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। क्या थे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन कैसा हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। होना क्या चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन हो क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें देखिए, इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, सेम फ्लावर। समझ में आया? मतलब ये कह रहा है कि सेल्फ स्टेटली इसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन भी है और उसी स्पीसीज का स्टिग्मा भी है, लेकिन पोलन ग्रेन जैसे ही लैंड किया तो जर्मिनेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोलन ट्यूब बना ही नहीं। क्यों नहीं बना भाई? क्योंकि जेनेटिकल कैरेक्टर है इसके पास, ठीक है, जेनेटिकल कैरेक्टर की वजह से। लैंड तो किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया, जर्मिनेट के नहीं किया भाई, जर्मिनेट नहीं किया। क्या जर्मिनेट नहीं किया? पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं किया। जो उसका वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल से पोलन ग्रेन जनरेट नहीं हुआ, और जब तक पोलन ग्रेन जनरेट नहीं होगा तब तक उसके अंदर से जो मेल गैमिट है वो बाहर नहीं जाएंगे।
तो एक तरह से क्या कर लिया, अपने आप को सेल्फ स्टराइल कर लिया। समझ में आया? एग्जाम्पल देखा जाए, पेट्यूनिया, पैसिफ्लोरा, ग्रेप्स, एप्पल, टोबैको एक्सेट्रा, याद रहेगा इतना। अब देखिए हमने कुछ चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, डाइकोगैमी, होमोगैमी, ये आपको याद रखना। प्रोटेंड्रिक कंडीशन आपको बता दिया, प्रोटोगैनी भी बता दिया, क्रिस्टोगैमी आपको पता है, चेस्मोगैमी आपको पता है। चेस्मोगैमी देखिए एक तो होता है जीनोगैमी और एक होता है ऑटोगैमी, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना एक बार ठीक से, सारा हमने सारांश यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसको हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर नहीं समझ में आया बार बार देखिए, कई बार देखिए वीडियो, नहीं समझ में आया तो एक कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, ओके। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन आता है और कैसे हर जगह पर उसको चेक किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरा टॉपिक एक दो दिन में ख़त्म कर देंगे, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, थैंक यू।